लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो चोटरानी साहब। नहीं, मैं उनके असिस्टेंट बोल रहा हूँ। मैं राज मल्होत्रा बोल रहा हूँ, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ एक मिनट सर, मिस्टर राज मल्होत्रा का फोन है। हेलो चोटरानी साहब, मैंने फैसला कर लिया कि ये केस मैं लड़ूंगा। लड़ोगे? देखो राज, मैं तुम्हें सब कुछ पहले समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया, ये केस मैं लड़ूंगा। और इस फैसले में मेरी बीवी मेरे साथ है। ठीक है, मैं उन्हें नोटिस भिजवाता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमेशा की तरह ऑफिस जाते रहना, काम करते रहना, ताकि उन्हें तुमसे रेजिग्नेशन मांगने का कोई और बहाना ना मिल जाए। समझ गए ना? जी। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। जेनी। यस सर। आज की रिपोर्ट मेरे रूम में भेज दो। ओके सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मेरी रात की नींद हराम करके तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो? मैंने तुम्हारी गंदी और नीच हरकत के लिए तुम्हें पुलिस को नहीं सौंपा, सिर्फ रेजिग्नेशन लेकर तुम्हें छोड़ रहा था, और तुम मुझ पर केस करना चाहते हो? तुमने मुझे नोटिस भेजा है कि मेरी बीवी ने तुम्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यही है सर। सुनो, हकीकत यह है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे इस तरह केस करने से मैं डर जाऊंगा और अपनी इज्जत और अपनी कंपनी के रेपुटेशन को बचाने के लिए तुमसे रेजिग्नेशन नहीं लूंगा। राज मल्होत्रा, तुम मेरी पावर और मेरी पहुंच को नहीं जानते। मसल कर रख दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे इस नोटिस का जवाब कोर्ट में दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा कि तुमने मेरी बीवी पर रेप अटेम्प्ट किया है। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तबाह करके रख दूंगा। ये वो कोर्ट है जहां पर आज एक ऐसे मामले की सुनवाई हो रही है जो पहले कभी नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी वॉइस मोबाइल की एमडी सोनिया राय पर उनके ही कंपनी के एक डायरेक्टर राज मल्होत्रा ने सेक्सुअली हैरेसमेंट का केस किया है। पूरा शहर हैरान है कि भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को देवी माना जाता है, क्या ऐसा हो सकता है? Please be seated. Mr. Chotrani, you may proceed. Thank you, Your Honor. Your Honor, हमारे समाज में दो किस्म के लोग रहते हैं, औरत जात, मर्द जात। शास्त्रों में कहा है औरत नदी के समान होती है, यदि अपने किनारों की मर्यादा में रहे तो लाती है खुशहाली, और यदि अपने किनारों की मर्यादा तोड़ दे तो लाती है विनाश, बर्बादी। आज का केस यही है योर ऑनर। एक औरत ने अपनी मर्यादा को तोड़ा है, एक पत्नी ने अपनी हवस के लिए अपने अंडर काम करने वाले एक गैर मर्द से सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की, उस मर्द ने इनकार कर दिया, उस औरत ने उस मर्द को उसकी पोस्ट से बेदखल करने की कोशिश की, और आज वो मर्द इंसाफ पाने के लिए आपकी अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है, और वो मर्द है मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा, और वो औरत है श्री रंजीत रॉय की धर्मपत्नी और वॉइस मोबाइल की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस सोनिया रॉय। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा को आपकी अदालत से केवल न्याय और न्याय मिलेगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। वाह, क्या स्पीच दी है, क्या प्रवचन किया है मेरे काबिल दोस्त ने। वाह, कहते हैं कि समाज में दो जाति के लोग रहते हैं, करेक्ट है, तो मर्यादा भी दोनों के लिए होनी चाहिए ना। ये कौन सा दिमागी दिवालियापन है समाज का कि औरत सिर्फ मर्यादा में रहे और मर्द खुले सांड की तरह घूमता रहे।
ऑर्डर ऑर्डर। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है कि किसी औरत ने मर्द को छेड़ा हो, या आंख मारी हो, या सीटी मारी हो। किसी और की बात छोड़िए मिलोर, आप ही की बात लीजिए, मेरी बात लीजिए। चलिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि मैं और आप मिस्टर राज मल्होत्रा जैसे हैंडसम नहीं है, मान लेते हैं। और यह भी मान लेते हैं कि मिसिस सोनिया राय ने राज मल्होत्रा को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की होगी, मगर यह न हजम होने वाली बात। कैसे हुई, क्यों हुई, यह जानने के लिए मिलोर्ड में बलात्कार के शिकार मिस्टर राज मल्होत्रा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलोर्ड। मिस्टर राज मल्होत्रा, एक औरत द्वारा आपका रेप करने की कोशिश, यह हसीन हादसा जो आज तक किसी मर्द को नसीब नहीं हुआ है, यह कब हुआ था? 21 जनवरी को हुआ था। हाँ, उसके एक दिन पहले 20 जनवरी को आपकी कंपनी का एन्युअल डे था, करेक्ट? जी हाँ। उस दिन क्या हुआ था? जी, उस दिन सारे स्टाफ को प्रमोशन मिलने वाली थी और मिसेस सोनिया ने सबका प्रमोशन अनाउंस किया। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रमोशन? जी, एज द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो मिला आपको प्रमोशन? उन्होंने मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। ओह, वाह, तो खड़े थे रेवड़ी के लिए और मिल गए रसगुल्ले। वाह वाह वाह। आपको मिसेस सोनिया राय की इस दरिया दिली की क्या वजह लगी? शायद मेरे काम से इंप्रेस थी। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि 20 जनवरी की उस पार्टी में आपने अपने कलीग से यह कहा था कि आपकी प्रमोशन की वजह ये आपकी पर्सनालिटी का जादू है। वो तो मैंने यूं ही। आपने कहा था या नहीं कहा था? जी कहा था। बस, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। इन्हें प्रमोशन की वजह अपनी पर्सनालिटी का जादू लगा था। इन्हें यह लगा कि मिसेस सोनिया राय इनकी ये डोले शोले वाली पर्सनालिटी से इंप्रेस हो गई है। जी, ये बात गलत है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब मैं निकाल लूंगा। पढ़ा लिखा हूं, एमए एलएलबी हूं, मैं निकाल लूंगा। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उस दिन पार्टी में और क्या क्या बातें हुई थी? कुछ खास नहीं, बस यूं ही कैजुअल सी। कैजुअल बातें? क्या माल मिला है बुड्ढे को? ये बुड्ढा क्या करता होगा? 70+ को तो वायग्रा भी असर नहीं करती। ये सारी बातें कैजुअल थी। लेकिन ये बात मैंने नहीं कही। ये थी। बात आपके साथ हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। बस पार्टी में जब शराब का दौर चल रहा था तब मिसेस सोनिया राय के बारे में क्या क्या बातें हो रही थी? आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं। मैं इनको याद दिलाता हूं मिलोर्ड। क्या आपने नहीं कहा था कि मिसेस सोनिया राय सेक्सी और एट्रैक्टिव लग रही हैं? नहीं, ये मैंने नहीं, मेरे कलीग ने कहा था। आपने क्या कहा था? लगती है। बस नहीं, लेकिन बस। फिर क्या हुआ? उसके बाद डांसिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। डांस? ओ, यू मीन नाच गाना। जी। आप किसके साथ नाचे हैं? जी, चेंजिंग पार्टनर्स का डांस था। चेंजिंग पार्टनर? माने सबकी बीवियां इधर उधर होने लगी। तो कभी ऐसा हुआ कि आप मिसेस सोनिया के भी डांस पार्टनर बने हो? जी हाँ। तो आपको तो बहुत मजा आया होगा। जिसकी खूबसूरती को लेकर आहें भर रहे थे उसी की कमर में यूं हाथ डाल के माशाल्लाह ताता थैया। ओह, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, द एजम्पशन ऑफ द डिफेंस इज जस्ट फिक्टिशियस। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू सर। ओके, दूसरे दिन जब आप प्रमोशन के साथ अपने ऑफिस पहुंचे तो क्या हुआ? मेरा दोस्त राकेश मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे बताया कि हैंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन शुरू हो गई, प्रोडक्शन रुकवानी चाहिए, और साथ में ये भी कहा मुझे मिसेस सोने से जाकर बात करनी चाहिए। हुई बात? हुई? उनके पीए ने बताया कि उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। बड़े लक्की हैं आप। ये तो वही हुआ जो आप चाहते थे। उनसे मिलना बहुत जरूरी था मेरे लिए। आपका तो अपने घर जाना भी जरूरी था मिस्टर मल्होत्रा। आप बोल रहे हैं उस दिन मिलोर्ड इनके नए घर की गृह प्रवेश की पार्टी थी, एम आई राइट? लेकिन ये काम ज्यादा जरूरी था। कौन सा काम? हैंडसेट रुकवाने का काम। हाँ, हैंडसेट का काम, मैं समझा।
एनीवे, फिर मैं मिसेस सोनिया के घर गया, उनके किसी मेड ने दरवाजा खोला, मिसेस सोनिया जी आई और सोनिया जी आई हाँ? तब आपने क्या किया? मैं क्या करने गया था? क्या करने गए थे आप? मैं आपको बता चुका मैं क्या करने नहीं, गया नहीं, था। देखिए आपने नहीं बताया, मिस्टर मल्होत्रा मैं बताता हूं आपको। मिलोर जब सोनिया जी आई तो मिस्टर मल्होत्रा ने उनसे कहा, माय गॉड यू आर लुकिंग रेविशिंग। मैंने इस तरह नहीं कहा जिस तरह आप कह रहे हैं। आप अंदाजे बयां छोड़ दीजिए, शायरी से मतलब रखिए। आपने कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था। बस बस, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोर। फिर क्या हुआ? जैसे मैंने मोबाइल के बारे में बात करना शुरू किया, सोनिया जी मेरे बगल में आके बैठ गई। बगल में? जी। उसके बाद उनके हस्बैंड का फोन आया, मुझे ठीक नहीं लगा, मैं उठ के साइड में चला गया। करेक्ट करेक्ट। कि अचानक सोनिया जी ने मुझे पीछे से आकर जकड़ लिया। मतलब, और मतलब कि मतलब अचानक आपकी इज्जत पे हमला हुआ अचानक? हाँ। तो आपने तो यूं धक्का देके सोनिया जी को हटा दिया होगा। हाँ। जी नहीं, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और वो सोनिया जी मुझे पागलों की तरह किस करने लगी। एक मिनट, माने आप शॉक्ड होकर यूं ऐसे स्टैच्यू की तरह खड़े हैं और सोनिया जी आपको ऐसे चूम रही है, किस करे? यू मीन टू से दैट? मैंने कहा ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, आई वॉज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। ताजमहल है आप? ताजमहल? यस मिलोर, लोग ताजमहल देखने जाते हैं और उसकी नक्काशी को पेट भर के चूमते हैं, और वो बेचारा छटपटाता है, कह भी नहीं पाता, ए रूहे शाहजहां मुझे इस चुम्मा चाटी से बचाओ। ऑर्डर ऑर्डर। फिर क्या हुआ? और उसके बाद उन्होंने मुझे खींच के नीचे गिरा दिया। क्या 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 क्या? उन्होंने मुझे खींच के नीचे गिरा दिया। मिसेस सोनिया ने आपको खींच के नीचे गिरा दिया? मिसेस सोनिया ने? और उसके बाद वो मुझे किस करने लगी। हा, आप क्या कर रहे थे? जी मैंने कहा ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? यही कि मैं क्या करूं। हाँ, कहां कहां चूम रही थी? जी मुंह पे और कंधे पर। बस सिर्फ मुंह पे और कंधे पे? मुंह पे और कंधे पे? आप तो जमीन पर लेटे हुए थे, वो तो आपके पूरे बदन को चूम सकती थी। जी मैं नीचे नहीं था, सोनिया नीचे थी और मैं सोनिया के ऊपर था। एक मिनट, माने आप ऊपर थे हा? जी। और सोनिया जी नीचे थी? जी। मिलोर ये माने जिसका रेप हो रहा है वो ऊपर है और जो रेप कर रही है वो नीचे। ये इस केस की तरह ये रेप भी बिल्कुल नई स्टाइल का है, ऊपर नीचे। एनीवे तो आप क्या कर रहे थे पड़े पड़े? जी बोलिए 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 बोलिए, आप भी तो कुछ कर रहे होंगे ना, क्यों ऐसे बोझा बन के लदे हुए थे उनके ऊपर? जो कुछ हो रहा था वो इतना ज्यादा हो चुका था, मेरे सेंसेस काम करना बंद कर दिए और मैं बहक गया। That's it, my lord. ये इंसान बहक गया था। Point to be noted, बहक गया था। फिर सोनिया जी ने मेरे शर्ट के बटन खोले, गले में जो मेरे लॉकेट था वो बाहर आ गया, जिसके अंदर मेरी बीवी की तस्वीर थी। मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा गलत हो रहा है और मैं झटके से खड़ा होकर जाने लगा। माने अगर लॉकेट नहीं देखते तो क्या जमीर नहीं जागता? I object your honor. Okay, 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 okay. Thank God, my lord. तो आखिरकार इनका जमीर जाग उठा। Good. फिर क्या हुआ? मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी, वो चिल्लाने लगी और मैं वहां से चला गया। मतलब आपने अपनी इज्जत बचा ली। गुड। बाद में आपने क्या किया? आपने सीधा मिस्टर रॉय को फोन किया होगा कि मिस्टर रॉय आप अपनी बीवी को संभालिए, ये किया आपने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? सर सोनिया ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं उनकी गलती को दुनिया के सामने लाकर उन्हें बदनाम नहीं करना चाहता था। तो फिर आपने ये केस क्यों किया? इसलिए कि मिस्टर रॉय ने मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगाकर मुझसे रेजिग्नेशन मांगा, वरना मैं ये केस नहीं करता। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप खुद गुनहगार हैं। नहीं मिलॉर्ड, मैं इस बात को अदालत में प्रूव करके रहूंगा। मैं मिस्टर मल्होत्रा की सेक्रेटरी जेनी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। गुड मॉर्निंग जेनी। मिलॉर्ड घर में बीवी और ऑफिस में सेक्रेटरी, बड़े क्लोज कंपेनियन होते, यू नो दैट।
ये बताइए, जब ये सुबह आपसे मिलते थे तो आपको विश करते थे? जी। कैसे? इनके हाथ में न्यूज़पेपर, फाइल्स, जो कुछ भी होता था वो पीछे मारकर विश करते थे। हाँ, पीठ पे मारते होंगे। गुड मॉर्निंग जेनी। नहीं। तो कहाँ? पीछे। पीछे? पीछे तो बहुत सारी जगह है, पीछे कहाँ? यहाँ बम्पर। बम्पर? बम्ब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, पटेल साहब भूल रहे हैं कि एक लेडी से किस तरह से बात करनी चाहिए। मैं किस तरह से बात कर रहा हूं? शरीर के जिस अंग को ये अंग्रेजी में बोल सकती हैं, उसे राष्ट्रभाषा में नहीं बता सकती? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जहां तक मेरे अंग्रेजी ज्ञान का सवाल है, ये जिसे बम कहती है उसे हिंदी में पुष्ट कहते हैं। पुष्ट, पुट्ठा, नितंब। हम पुट्ठा पकड़ के चलते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, इनके पुट्ठे पर पेपर, फाइल, ब्रीफकेस माने जो हाथ में आया वो लेकर मारते थे, बाद में गुड मॉर्निंग बोलते थे। माने पहले टपाक गुड मॉर्निंग, टपाक गुड मॉर्निंग। खैर, मुझे बताइए, ऑफिस में मर्दों के साथ ये गुड मॉर्निंग कहने के लिए उनको कहां कहां मारते थे? जी, वो उनसे हाथ मिलाकर विश करते थे। इतना भेदभाव, इतना डबल स्टैंडर्ड मिस्टर मल्होत्रा, ये तो सरासर नाइंसाफी है मिलॉर्ड। मर्दों से हाथ मिलाते हो, लड़कियों को पुट्ठे पे मारते हैं। दिस इज नॉट डन। नो, यू मे गो नाउ मिलॉर्ड। तो ये है मिस्टर राज मल्होत्रा का कैरेक्टर। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। थैंक यू।